कश्मीर में मारे गए कश्मीरी पंडितों की आत्मा की शांति व मोक्ष के लिए आज काशी में अनुष्ठान किया गया। जुल्म प्रताड़ना के शिकार होकर असमय काल कवलित होने वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडितों के मोक्ष की कामना से सप्त मोक्षपुरियों में काशी के विद्वान त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पिशाच मोचन तीर्थ पर आयोजित त्रिपिंडी श्राद्ध कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर कश्मीरी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा नरसंहार में मारे गए कश्मीरी पंडितों के परिजन भी शामिल रहे। असामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्मा सेना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित त्रिपिंडी श्राद्ध में डॉक्टर संतोष ओझा मुख्य यजमान है। आचार्य श्रीनाथ पाठक और रानी गुरु के आचार्यत्व में नौ ब्राह्मण अनुष्ठान में शामिल होंगे। डॉक्टर ओझा ने बताया कि मारे गए हिंदुओं के आत्मा की शांति के लिए इसका आयोजन काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर किया गया है। अनुपम खेर ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि मैं कल वाराणसी जा रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के दौरान मैंने निर्णय लिया था कि मैं उन सभी कश्मीरी हिंदुओं की आत्मा की शांति का पाठ करवाऊंगा जिनकी आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस पूजा को त्रिपंडी श्राद्ध पूजा कहते हैं। आयोजकों का आभार। आज पूजा होती है, इसमें सब लोगों को उनके मोक्ष के लिए ये पूजा होती है, ये श्राद्ध होता है, ये पूजा होती है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ उन तमाम ना केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी मार के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुंचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी है, उसमें क्या कहेंगे आप? जी करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए, क्योंकि 32 साल तक ना मीडिया ने, ना पॉलिटिशियंस ने, ना देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहां पर सेटल करने की। ये किसी एक कार की टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार वहां सामने आ रही हैं, लोगों को खोल छोड़ के फिर से वहां से जाना पड़ रहा है, स्थिति फिर से वही दयनीय दिखाई दे। आप उजागर करिए इसको, इस बात को उजागर करिए, आप अपने सोशल मीडिया पे जाइए और उनको रोकिए या उन लोगों के बारे में एटलीस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को अभी भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही किस्सा नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। देखिए ये आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई बाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सके, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य मंगल लोगों की आत्माओं के लिए उनकी आत्मा की शांति। जी कश्मीर के हालात कैसे हैं? कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए तो अच्छे नहीं है, अभी भी जो 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे, उनको अभी भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि 8 लाख लोग इस समय पर्यटन के लिए वहां गए हुए हैं, पर वो अलग बात है और ये अलग बात है। मैं दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से कि जितने भी वहां पर लोग हैं जो निर्दोष किस्म के लोगों को टारगेट बनाया जा, वैसा ना हो, पर ये हमको लड़ना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे से सवाल पूछकर कि आपने इसके बारे में क्या किया, इसका कैसा क्या हुआ, ये त्रासदी 32 साल पर दुनिया के पास पहुंची है।